जो कल हुआ ना उसको मिटा लिया अभी के लिए दिमाग से, से कोई वापसी नहीं है, एक और चांस नहीं मिलेगा। चांस तभी मिलेगा अगला जब हम आज का मैच जीतेंगे। डेफिनेटली मुन्ना हमारा लकी चांस तो है ही, बट आई थिंक वो एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी और लेके आते हैं लोग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज बफ में, और जो सेकंड इनिंग का मैच होने वाला है वो होने वाला है श्रेयस मुंबई और साथ में कौन, पंजाब वीर्स का मतलब हर्ष बेनीवाल का। और ये जीत दोनों के लिए बहुत जरूरी है, अगर आपको एंटरटेनमेंट देखना है तो भाई मुंबई का जीतना बहुत जरूरी है, अगर आपको मैच देखना है तो हर्ष बेनीवाल का जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे पहले जो है लखनऊ ऑलरेडी जो है फाइनल में पहुंच चुकी है, हरियाणा भी एंटर्स हार गई। अब आज जो हारेगी शाम को 7:30 बजे वाला मैच, 8:30 वाला, वो कल हरियाणवी एंटर से खेलेगी, फिर जो उनमें जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। फिलहाल सुरेश राय ने बताया कि कैसे उनकी आज की स्ट्रेटेजी है इस मैच को जीतने की, और हमसे बात करी, क्या बात करी आइए सुनाते हैं आपको। सुरेश भाई दो सेकंड प्लीज, अंदर अलाउड नहीं है। बताओ भाई कैसा आज का माहौल होने वाला है और क्या करने वाले हो? भाई देखो थोड़ा टफ है लेकिन सच बताएं तो जो कल हुआ ना उसको मिटा लिया अभी के लिए दिमाग से, उसको वापस लिखना है। ठीक है, बहुत कम जिंदगी में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जो जब आप किसी चीज़ को वापस लिख पाते हो, वापस कर पाते हो। ये कल का पूरा दिन एज इट इज़ वापस रिपीट हो रहा है, वही दो टीमें अभी खेल रही हैं अंदर जो कल एक मैच था, और वही दो टीमें वापस खेलेंगी जिन्होंने कल हुआ है। लखनऊ ने ऑलमोस्ट रिजल्ट चेंज कर दिया है, आई थिंक हमारी बारी है वो करने की, और वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ यहाँ से नॉकआउट से कोई वापसी नहीं है, एक और चांस नहीं मिलेगा। चांस तभी मिलेगा अगला जब हम आज का मैच जीतेंगे, एंड वो जीतना चाहेंगे। हम पूरी टीम एज अ टीम कल फेल हुए, मैं किसी को भी अपने आप को या किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकता, एक्सेप्ट करता हूँ, डेफिनेटली फेल हुए। उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, बट आई थिंक इट्स टाइम टू गिव इट बैक एंड हम लोग रेडी हैं। आई थिंक हम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुन्ना ने होते तो शायद थोड़ा सा लक काम कर जाता है। लक डेफिनेटली मुन्ना हमारा लकी चांस तो है ही, बट आई थिंक वो एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी और लेके आते हैं, लोगों का शोल्डर्स डाउन नहीं होने देते। बट आई थिंक कल थोड़ा सा वो हुआ, हम लोग एज ए टीम हमारे शोल्डर्स थोड़े ड्रॉप हो गए थे, बट कोई बात नहीं। आई थिंक अगर चांस नहीं होता तो बहुत बुरा लग रहा होता, बुरा है ऑफकोर्स लग रहा है, बट आई थिंक वी कैन स्टिल री राइट इट एंड मेक इट हैपन फॉर अस। भाई कैसा प्रोसेस है आज का थोड़ा बताओ ना, कि कौन सी टीम कहाँ जीत के कल कैसे पहुंचेगी? भाई आई थिंक लखनऊ ऑलमोस्ट फाइनल में ऑलरेडी पहुंच गई है, 14 बॉल पे 57 रन बनाने हैं, हाँ मतलब खत्म हो गया ऑलमोस्ट, वो भी लास्ट विकेट है तो वो पहुँच गई है। हम आज पंजाब से जीत के कल हम हरियाणा को खेलेंगे वापस। अच्छा, कल आप हरियाणा से, हाँ। कल फिर जो जीतेगा वो फिर लखनऊ से फाइनल खेलेंगे। अच्छा, करेक्ट करेक्ट। तो एक पहले आज एक पंजाब से बदला लेंगे, फिर पिछला अगला बदला कल हरियाणा से लेंगे। थैंक यू भाई।